सर्कल की मूवमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है, अप एंड डाउन, सो टुवर्ड्स योर फेस एंड डाउन, ओके, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. Coordinate the movement with breath, okay? And then round and round circles. And bring a smile to your face. And then opposite direction. Good. Just gently lift your knee upar, ghutne ko spine seedha. And then just kick out and in. Breathe in and breathe out gently. Knee ko thoda mobilize kar lenge. नी हमारा बहुत इट्स अ सेकेंड मोस्ट वेट बेरिंग जॉइंट है. पहला नंबर रीजन है लो बैक. आफ्टर दैट इट्स नी. सो इफ योर बैक इज वीक इट कम्स ऑन द नी डायरेक्ट प्रेशर. दूसरा साइड सिट स्ट्रेट अगेन एंड शोल्डर्स रोल बैक. शोल्डर्स पे कोई स्ट्रेन नहीं आना चाहिए. ओके, शोल्डर इज जस्ट जेंटली होल्डिंग, जस्ट सपोर्टिंग. यू डोंट हैव टू कैरी द वेट ऑफ योर लेग. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट फ्यू मोर टाइम्स. And gently relax. Leg straight. Okay, हाथों को ऐसे रखेंगे. Okay, नौका आसन. Breathe in and go back. Go back. And पूरा ऐसा full circle करके आगे जाएंगे. जितना हो सकता है झुक सकते हैं, ठीक है? Breathe in and out. Good. Focus on the core. Tummy पे focus. Keep going. Try to bend back a little bit, huh? पीछे थोड़ा झुकने का try करिए. Rajeshwari, very good. And Aarti, you too. Okay? Yeah, bend back without lifting your leg. Okay? Try करना है अपने tummy से वो strength provide करने का, so that you can hold the upper back. Few more times. Keep going. कोई थक गया है, you can just relax. But we'll do few more times. And then relax. Good. Bend your knee again. Okay, bend your knee. Okay, one leg in front of the other. All right, put your hands like this. Put your hands like this. You take your right shoulder towards your right knee and hold. Hold that position. Can you do that? Try to stretch, 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 and then come back. Okay, the other side. Left shoulder towards the right knee. Stretch, stretch your shoulder blade area, and again, breathe in and breathe out. Stretch your shoulder blade as if your shoulder blade is coming out. Aisa, and then back one more time. Breathe in and breathe out. Hold that position for 3, 2, and 1. From here, take your right leg in front, and then try to slide your hand forward. जितना जा सकता है एज फार एज यू कैन, ठीक है? अगर पूरी तरह जा सकता है, सर नीचे लग सकता है तो अच्छी बात है. यू ट्राइंग टू स्ट्रेच योर राइट हिप राइट नाउ. राइट लेग अगर आगे है तो राइट हिप में ज्यादा स्ट्रेन आएगा. एंड होल्ड, होल्ड एंड ब्रीद. यू कैन ऑल्सो एक्टिवेट योर उज्जाई ब्रेथ. जो हिसिंग साउंड होती है वाइल वी ब्रीद आउट, वो भी कर सकते हैं. इस पोजीशन में डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बहुत अच्छा स्टिमुलेट होता है. वन मोर डीप ब्रेथ इन एंड कम बैक जेंटली. अभी लेफ्ट लेग आगे करेंगे. ब्रीद इन एंड एज यू ब्रीद आउट जस्ट स्लाइड योर हैंड फॉरवर्ड. ऐसा झुकते जाएंगे धीरे धीरे धीरे. इफ यू कैन जस्ट पुट योर एल्बो दिस वे दैट्स फाइन. इफ यू कैन गो ऑल द वे यू कैन पुट योर हेड. सर नीचे कर सकते हैं तो सर नीचे करेंगे. एंड देन जो भी पोजिशन कंफर्टेबल है जिसमें पेन नहीं हो रहा है उस पोजीशन में. प्रेमा जी नेक कोलैप्स नहीं करना है. डोंट कोलैप्स नेक. ओके, नेक शुड बी नाइस एंड टिप ऑफ द नोज शुड बी पॉइंटिंग डाउन बट इट शुड नॉट बी कोलैप्सिंग लाइक दिस. ओके, या एंड होल्ड एंड ब्रीद एज फार एज यू कैन. वेरी गुड अश्विनी, गुड ट्राई. वन मोर डीप ब्रेथ इन एंड आउट एंड कम बैक. ओके, लेट्स गो इनटू कैट पोजीशन. मार्जरी आसन, सब लोग मार्जरी आसन में आ जाइए. टेक दिस पोजिशन. ओके, पैरों को थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे. एज यू ब्रीद इन लुक अप, एज यू ब्रीद आउट
चिन टू द चेस्ट एंड राउंड योर बैक, ऐसा राउंड करेंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे अगेन शोल्डर ब्लेड्स, एंड देन अगेन ब्रीद इन एंड लुक अप एंड ब्रीद आउट. वन मोर टाइम, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. वन मोर टाइम, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. होल्ड दिस पोजिशन. Take your right leg back. Right leg back. Keep holding this position. Keep holding this position. Hold, hold, hold. Everybody hold. Leg bilkul floor ke parallel. Neeche nahi jana chahiye pair. Pair bilkul utha ke buttock muscles ko contract karna hai. Now gently take your left elbow and place it down. And then take your right elbow and place it down. So leg aur upar jayega. Hold that position. And if you want to put your head down, that's fine too. And hold for 3, 2, 1. Gently pair niche aur marjriyasana mein wapas. Very good. Now take the left leg back. Okay. Hold here for 3 breaths. Deep breath in. Deep tummy tucked in rehna chahiye bilkul bhi. Sabka. Hold karna hai. 3, 2, 1. And gently elbow drop karna hai. And leg ko thoda aur lift karna hai. एंड देन अगर सर नीचे जा सकता है तो अच्छी बात है. फील द प्रेशर इन द बटक एरिया. यू फील लॉट ऑफ प्रेशर विच इज गुड. यू सिट ऑन आवर बट टू मच दिस डे. तो ये बहुत अच्छा बटक मसल टोनिंग है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सटेंसर ऑफ आवर बॉडी. इट हेल्प्स अस गेट अप एंड देन जेंटली कम अप एंड बैक. ओके, अनदर टाइम राइट लेग अप. टमी टक देन, बिल्कुल टक देन टमी. एंड देन shift your weight slightly towards the right and lift your left hand. Okay, hold, hold that position. Balance opposite hand and leg. Okay, same side nahi, opposite. And then breathe in, one deep breath in, extend, extend. And as you breathe out, elbow to the knee, aisa pass mein leke aana hai. Theek hai, and then breathe in and extend, extend kariye thoda. Spine mein halka curve lana hai. Theek hai, 2, 1 more time, deep breath in. And down, relax, catch your breath. Ek deep breath in and out, back to the neutral position. And then left leg uthayenge hum log. And right hand. Okay, hold this position. Breathe in, extend. And then as you breathe out, knee to the elbow. Good. Breathe in. Breathe out. One more time. Gehri lambi saans lijiye, back ko arch kariye thoda. And then back in neutral position. Very good. Take a deep breath in this position and out. From here, we'll go into first Parvatasana. Okay. Hold that position. Adjust kari legs ko taki heels touch kare. Thoda pedal kar lenge is position mein. Good. Ujjayi breath kariye. Make a hissing sound while you breathe out. Gentle hissing sound. Good. Lift your right leg up. Good. इसको plant करेंगे दोनों हाथ के पास. Okay. इसे plant करेंगे, hold करेंगे ये position. Hold करेंगे ये position. And then we'll go for a deep hip stretcher. Okay. So I'm in this position, but I'm holding my hand. Right leg सामने है, तो दोनों हाथ right leg के beside होना चाहिए. ठीक है? Hold that position, everybody. And then from here, keep holding, keep stretching your back leg. Okay. If you can maintain this position, good. If you modify karna hai, to knee drop kar lijiye. Theek hai? Jo log sustain kar sakte hai, they can hold it. And then start going forward. And if you want, you can come on your elbow. Very deep hip stretcher hai. Lekin agar knee ka problem hai, to knee drop kar lenge aisa. Theek hai? And then you can go down this way. Otherwise, those who can lift the knee, that's fine. Very good knee strengthening exercise. Very good. Stretching also, both together. And then gently come up. And then from here, go back into. Yes. When we put our leg like this, and when we come down, the right leg tends to go outwards, like it'll go out. So you have to prevent that. You have to keep holding as far as you can. Okay. If it's painful, don't hold it. Let it go out. Okay. Okay? You have to keep.
You have to keep adducting it, okay? That's me. Okay. Towards the midline. But you don't have to go towards the painful part, okay? So jitna ho sakta hai karna hai. That's a natural tendency. So if we go like this, see, it naturally goes out a little bit, but you keep adducting as far as you can. Aisa, paas mein lete rehna hai. Right. Theek hai? Right. Okay. Okay, go back to Parvatasana, everybody. Good. Left knee, left leg up and plant it down. Theek hai? Dono haath pair ke is side aa jayega. Straight. And then from here, if you want to drop the knee, you can drop the knee and then go forward. Theek hai? If you can lift the knee, keep it lifted. Okay, keep holding. Otherwise, drop the knee. Whatever is comfortable for you. जो भी कंफर्टेबल लग रहा है करिए. नेक कोलैप्स नहीं करना है. नेक पे कोई स्ट्रेन नहीं आना है. ठीक है. दीज आर वेरी वेरी पावरफुल पोजेस फॉर लोअर एक्सट्रीमिटी. ओके, धीरे से ऊपर आ जाएंगे. विल गो बैक इनटू पर्वतासन. टेक अ डीप ब्रेथ हियर. फ्रॉम हियर विल कम टू द टॉप ऑफ द मैट. यू कैन जंप और वॉक. ओके, एंड कम टू अ स्टैंडिंग पोजिशन. We'll just take 30 seconds to just breathe in and Shithil Tadasana. And feel our hips and knees, okay? It has worked a lot. And you might be feeling some stretch pain. Just feel your body parts and keep breathing. You know your body joints better now as opposed to some months back. Maybe it's getting better. More flexible, more strong. Take a deep breath in and out. And we'll go into our Vrikshasana first, okay? Let's go into Vrikshasana. Hold this position. You can put your hand in Namaskar Mudra. Either here or you can take it up there. It's up to you. And keep holding. Focus on the vibration that the other leg is making. जो पैर से आप खड़े हैं ना उसके अंदर फील करिए vibrations को. कितना हिल रहा है. Try to send all the energy to that leg. One more deep breath in and out. और gently release कर लीजिए. Just shake कर लीजिए थोड़ा पैर. Relax it a bit. We'll do on the other side. इसमें मेक श्योर करना है नी इज पॉइंटिंग ऑन द साइड. इट्स नॉट पॉइंटिंग इन द फ्रंट लाइक दिस. ओके, दैट्स अ ट्रिक मूवमेंट. सो नी हैज टू पॉइंट ऑन द साइड एंड देन हैंड इन द नमस्कार मुद्रा. टमी कोर टक देन. ओके, एंड इनहेल एंड एक्सहेल. दैट्स ऑल वी हैव टू डू. वेरी गुड प्रेमा जी, लव योर पोस्चर. एंड जेंटली रिलैक्स इट. Good, very good. Spread your legs a little bit. Okay, this way. From here, spread thoda 2 feet ka hona chahiye. Okay, 2 feet apart. Acha khasa distance. Put your hand in the center. Okay. First, bend your right knee comfortably. When you see your toes, you should still be able to see your toes this side. Okay, so the knee should not go beyond your toes. ठीक है, घुटने को अंदर रखिए ताकि आपके पैरों की उंगलियां दिख सकती हैं. ओके, होल्ड दैट पोजीशन. होल्ड दैट पोजीशन. होल्ड. फील द स्ट्रेन हियर इन द इनर थाइस एंड स्पाइन स्ट्रेट. बिल्कुल भी सीधा. टमी टक देन एंड देन फ्रॉम हियर गो टू दिस पोजीशन. ओके, होल्ड. स्पाइन बिल्कुल सीधा. स्पाइन में बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगी. ऑलराइट, नो टाइम. गो टू द राइट. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Just do a little bit of dynamic movement करेंगे हम थोड़ा. Hip adductors को stretch करेंगे. ठीक है, gently put your hand here. थोड़ा हम अपना ये बढ़ाएंगे, इसको deep लेके जाना. ठीक है, हाथ को ढीला छोड़ेंगे. And then on the right side, we'll just go gently on the ground this way if we can. Not all the way, just you put your fingertips if you can. Hold that position. Hold that position. Hold. Hold. Thoda aur sink kar sakte hain, deep to karenge. And then gently come up. Take a moment to breathe. Deep breath in, deep breath out. And go on the other side. Go on the other side. Go on the other side. Good.
hold that position. Hold. आप कोई फर्नीचर भी पकड़ सकते हैं, ऐसा जरूरी है कि ग्राउंड पे आना है, ठीक है? होल्ड दैट पोजिशन. गुड, एंड कम बैक, स्टे इन दिस पोजिशन. थोड़ा क्लोज आ जाएंगे हील टो करके ऐसा. गुड, फ्रॉम हियर विल गो इनटू समथिंग कॉल्ड गॉडेस पोज. ओके, उत्तर कोणासन. तो घुटना ऐसे साइड में जाएगा, यू गो इन दिस पोजिशन. ओके, होल्ड दिस पोजिशन फर्स्ट. ओके, tummy tuck then everybody. Haath pe pressure nahi hona chahiye. And then put your hands up here, this way. Hold. Hold, hold. Let your thigh burn. Keep holding. Tummy tucked in and your pelvic floor muscles also tucked in. And then gently release. Sakshi ji, kya ho gaya? Dard ho gaya? Just smile. Take a deep breath. We'll repeat this pose. Go back again in the same position. This goes on the side and hands this way. Okay, hold that position. It's a very strong pose for our thighs, ankle, knees, everything. And few more counts. 3, 2, 1, and gently come up. Take a deep breath in and a deep breath out. Another one, another deep breath in and out. One more time. Go back into the this pose. Hold. Hold that position. Hold, 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 hold. And come up. Good. Very good. Relax. Stand in the center. Close your eyes. And feel your thigh muscles. Feel the rush of that energy or blood through your lower extremities. हम लोग अभी चेयर पोज करेंगे, उत्कटासन. हाथों को सेंटर में ला देंगे. ब्रीद इन, एज यू ब्रीद आउट विल जस्ट गो डाउन दिस वे एज इफ एक चेयर पे बैठ रहे हैं हम लोग, ठीक है? दिस इज द इजियर वर्जन ऑफ द अदर वन वी डिड. कीप होल्डिंग. एल्बो साइड में ऐसा, एल्बो जैसे नहीं, साइड में ऐसा. ओके, हाँ. नेक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, एंड देन स्टैंड अप. Take a deep breath in and out. Inhale the fresh air. Release all the negativity. Again, inhale. And as you exhale, try to sit in the chair. From the side, try to go a little deeper, okay? Hold. Hold that position for 3, 2, 1. Stand up. We'll do one more time. Inhale. And exhale and sit in the chair. 3, 2, and gently come down here. Good, very good. You know what to do next, right? To take your right leg out and try to balance on left toes. है ना, spine बिल्कुल सीधा रहेगा. अगर हाथ यहाँ रख सकते हैं तो अच्छी बात है. And हाथ अगर नमस्कार मुद्रा में रख सकते हैं तो और बेहतर. You can drop your toes so that you get more balance. तो उसको ड्रॉप कर लेंगे तो ज्यादा बैलेंस आ जाएगा. योर नी हैज टू बी अप इफ यू कैन, इफ नॉट नी ड्रॉप कर सकते हैं, दैट्स फाइन. एंड वन मोर ब्रेथ, एक और डीप ब्रेथ एंड देन रिलीज. दूसरे साइड करेंगे. आज दिन भर सबको अपना पैर बहुत फील होगा. फिर मेरी याद आएगी और मुझे यहाँ रात में नींद नहीं आएगी. Breathe in and breathe out. One more inhalation and exhalation. And release. Okay. Come back to lying position now. Let's jayenge. Aaj humne hips aur knees ko bahut kaam karaya. So just relax them. Make a 4 out of your legs. This way. And gently. Rock it towards your body. Rocking movement करेंगे hips का.
Breathe in and breathe out. The other side. Actually, ये सब करने के बाद you might feel little better in your range of motion of your hip joint. Every day it gets better and better. And release. But move your leg from side to side, Asa. Keep breathing. सांस पे ध्यान. Movement अपने आप करते रहिए. दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए. पवन मुक्तासन करेंगे. राइट घुटने के मोड़ के चेस्ट के पास लगाएंगे. होल्ड करेंगे. सांस गहरी लंबी सांस लीजिए और घुटने को जितना दबा सकते हैं प्रेस इट डाउन टुवर्ड्स योर चेस्ट. एंड देन राइट नी को लेफ्ट की तरफ लेके जाइए एंड लुक एट योर राइट साइड. दृष्टि राइट साइड एंड ब्रीद. इनहेल एंड एक्सहेल. एक और लंबी गहरी सांस लीजिए. दिस इज अ रिलैक्सेशन फेज आफ्टर हार्ड वर्क एंड रिलीज. ओके, दूसरे साइड. लेफ्ट घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे और प्रेस करेंगे अपने चेस्ट पे. एंड देन घुटने को ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे. होल्ड. इनहेल एंड एक्सहेल. तो बोलते हैं अच्छा जूसी स्ट्रेच. नींबू को जैसे निचोड़ते हैं ना जूस निकालने के लिए, हम अपने स्पाइन को निचोड़ते हैं अपना जूस निकालने के लिए. वापस लेके आइए. दोनों घुटने को पास में ले लेंगे एंड देन जस्ट गिव अ नाइस मसाज टू योर लोअर बैक. ऑपोजिट डायरेक्शन. And then release to the ground, legs down. हाथों को साइड में. एक लंबी गहरी सांस लेके you'll say ha. One more time, breathe in deep. Completely surrender to the mat. Toes to pointing towards side. Legs में थोड़ा distance. हाथों में भी थोड़ा distance. बिल्कुल relaxed pose में surrender to the mat. And we'll go on a journey of our Yog Nidra.